जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शहजाद नाइक। इस वक्त हम बीजेपी हेड ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से एक फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है दुनिया भर से। लेकिन उसी कश्मीर फिल्म के रिलेटेड एक सॉन्ग बनाया गया है। उस सॉन्ग के म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं, ऐश के जी हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस सॉन्ग के लिए, और क्या कहना चाहेंगे इस सॉन्ग को लेकर आप? जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू के लिए आए, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये गाना है कश्मीर फाइल फिल्म्स देखने के बाद मेरे, उससे पहले भी जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तभी से मन में था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट यही कर सकता है। मेरा अपना स्टूडियो, वहाँ पे मैंने ये गाना मतलब सोचा कि क्या किया जाए। फिर ऐसे दिमाग में जो ये इतना अच्छा नाम दिया है आपने गाने का, हम लौटेंगे, मैं बताता हूँ। जो आप गाना देखेंगे उसमें एक क्लिप है जिसमें वो 90s में जब माइग्रेंट्स नगरोटा कैंप में जब आए थे, तब जैसे इंटरव्यूज हो रहे थे, वो छोटी सी बच्ची से पूछ रखे, क्या आप घर लौट पाओगे? वो कहती हाँ। वो कह रही मम्मी पापा क्या कहते हैं? वो कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं। तो यहाँ रह के क्या करोगी? पता नहीं क्या करूँगी। तो क्या तुम घर लौट पाओगे? जो लौटने का ये मुझे जब दिमाग में आया तो मैंने कहा टाइटल, फिर मैंने सोचा हम लौटेंगे। सर, 90s में जो हुआ वहाँ पर वो एक बहुत भयानक दर्द था, ठीक है, लेकिन अब जब उसको दिखाया गया, क्या आपको नहीं लगता वो दर्द दोबारा से जाग गया? बिल्कुल जी, जागा है। और एक्चुअली क्या है ना, अब मैं हूँ या कहीं है, अब जैसे आप हैं, अगर आपके साथ कुछ हुआ वो आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है। तो जब ये फिल्म देखने के बाद मैंने भी देखे, इतने इंटरव्यूज़ आए और वो लोग जिन्होंने ये सब झेला है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। दुनिया भर से अब आप देख लो कितने लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्या जम्मू में, इंडिया में, हर जगह से। जी जी, यही है। तो हुआ है, अब हुआ तो है सर। मैं चाहता हूँ कि बस यही है कि जैसा पहले प्यार था वैसा प्यार दोबारा से। सर, 90s में अपना घर बार छोड़कर जम्मू में रहना या किसी और स्टेट में रहना, किसी जगह पर भी रहना, कितना मुश्किल होता है इंसान को। एक कमरे में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाना, खुद सर्वाइव करना, कितना। मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पे आए थे तो मेरे फादर साहब ने पहले यहाँ पे ना लैंड ली थी, उनकी ट्रांसफ़र हुई थी पहले, तो लैंड ली थी। तो जब ये माइग्रेशन हुई तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, हम टोटल 5-6 घर वहाँ पे थे हिंदूज़ के, तो वो सब जब आए ना वो हमारे पास आए। तो मैं तब छोटा सा था, मैंने देखा ट्रंकों के ढेर हमारे आंगन में लगे हुए हैं, और 10 फैमिलीज़ में अगर 4-5 लोग भी हों एक फैमिली में, तो 50 लोग हमारे आंगन में थे उस समय। गर्मियों के दिन थे, आपको पता पहाड़ी लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब जून का महीना था। तो वो चीज़ देखी अपनी आँखों से मैंने। तो फिर आई थिंक 15-20 दिन वो यहाँ पे हमारे पास ही थे, जैसा भी था हमारे पास उस समय। खुद एक रूम था, एक रूम थी और एक स्टोर था। तो फिर गर्मियों के दिन बाहर ही नीचे वो डाले थे अपने, वो डाला था अपने तरपाल लगा लो कुछ भी, तो वहाँ पे रहे कैसे कैसे 15 दिन निकाले। फिर इनको टेंट इश्यू हुए, फिर मैं जब बाद में टेंट में गया, एक टेंट था छोटा सा, उसमें पूरा परिवार, जिनके इतने बड़े बड़े घर थे, वो एक छोटे से टेंट में, आप समझ सकते हैं कैसे रहे होंगे। जी जी, आपके करियर की अगर हम बात करें, सिंगर हो आप, आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, कब से आपने ये दिमाग में आया कि मुझे ये सब बनना है या फिर मुझे अपने? तो अभी मैं बताऊँ आपको, मैं तो 20 साल से इस फील्ड में हूँ। इस फील्ड के लिए मैंने जॉब नहीं की, तो मैं अभी तो खैर मैं कर भी रहा हूँ जॉब, तो मतलब यही था कि मुझे इसी फील्ड में, एक होता ये गॉड गिफ्ट है, चलो हम। स्टार्टिंग में जब आप कश्मीर से यहाँ आए तो जो फाइनेंस प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा हुई होगी, तो स्ट्रगलिंग के दौरान में आपने कैसे मतलब अपने आपको हौसला बनाए रखा कि मतलब मुझे यही करना है, इसमें मुझे सक्सेस कामयाबी मिलेगी? तो मैं तो उस समय 8 साल का था जब मैं आया, तो 8 साल में क्या हमारा मतलब धीरे धीरे फिर इस ओर मेरा मतलब इंटरेस्ट रहा कि गाना गाना। फिर गाना जब मैंने थोड़ा थोड़ा इस फील्ड में आया, फिर मेरे को दिमाग में गाने बनते कैसे हैं ये, फिर मेरे को ये पता चला जी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ होते हैं, स्टूडियो में गाने बनते हैं। फिर हमारे जम्मू के बहुत एक जाने पहचाने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार जी, मैंने उनको 5 साल असिस्ट किया उनके स्टूडियो में, उनसे सीखा म्यूज़िक कैसे बनता है। बाकी क्रिएटिविटी अपनी है, धीरे धीरे कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इलेक्शंस के गाने बनाए, बहुत गाने बनाए मैंने, डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए, पंजाबी, इवन पंजाब तक गाने बनाए, बॉलीवुड तक मैंने
इवन इंग्लैंड के लेबल्स तक के साथ काम किया है। सर हम चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को वो दो लाइनें। बिल्कुल बिल्कुल, यही वाला गीत या और कोई? यही हम लौटेंगे। ओके, हम लौटेंगे, हम लौटेंगे, हम लौटेंगे उन हसी वादियों में, हम लौटेंगे, हम लौटेंगे, हम ज़रूर लौटेंगे, एक दिन ज़रूर लौटेंगे। बहुत अच्छा गाना है आपका हम लौटेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये गाना है हम लौटेंगे बहुत पसंद आएगा, आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सर हमारे व्यूवर्स को लास्ट पे आप ये बताएंगे कि मतलब ये गाना कहाँ पर वो? बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना जेके हिल्स रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ये गाना रिलीज़ हुआ है। तो हम मैं चाहता हूँ कि ये गाना हर देशवासी तक पहुँचे, जैसे द कश्मीर फाइल फिल्म्स को सबने इतना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ इस गीत को भी प्यार दें, इस गीत को सुने, और जितने भी मेरे कश्मीरी भाई बहन हैं कश्मीरी, उन सब के लिए ये गाना है। हम सब की एक आस है कि हम एक दिन अपने घरों को ज़रूर लौटेंगे, तो आप सब इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था एक झलक जो ने गाने में नाम रखा है हम लौटेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस गाने को देखेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। हम आपको ऐसे और भी आर्टिस्ट से मिलवाते रहेंगे, ऐसी और भी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी कोशिश रहती है जो भी आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर का है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि उनके हौसले अफजाई हो, वो आगे बढ़ सकें, वो नए नए गाने बना सकें। आप देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़। अपने मेज़बान शहजाद नायक को दीजिए इजाज़त।